नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है बहुत सारे लड़कों ने कमेंट्स किया, उन्होंने मैसेज किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे और किन बातों पर आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट वहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, और आपका अगर कोई आगे एग्ज़ाम वगैरह ऐसा आता है तो उसमें आपको क्या दिक्कत आएगी, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो है ये जानकारी बहुत सारे और जो भी दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच जाए, ठीक है। बाकी और कोई मकसद नहीं है, आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मत करना, ठीक है। बाकी मकसद ये है कि जानकारी ले लो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, आप जो है अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको आएगा 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 किसी को आ गया होगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपको बता दिया था, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है। ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, साथ ही में आपको उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, एक SHO का सर्टिफिकेट रहेगा और एक अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा जिसकी 2 कॉपियाँ रहेगी। ये सारे आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका जो भी ओरिजिनल रहेगा ज्वाइनिंग लेटर, उसका आप अपने पास रखिएगा और उसकी जेरोक्स निकाल के आप वहाँ पर दे देना, ठीक है। इसके साथ देना होगा आपको, वहाँ पर सबमिट करना होगा। और साथ में आप लोगों को और जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको लगेगा आपका 10th का मार्कशीट और 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो भी ये जो आपको पता है वैकेंसी जो है 10th के बेस पे है, तो आपको 10th का मार्कशीट, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपका कंपलसरी है। और उसके बाद आपका जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपका कंपलसरी है, ठीक है। ये सब आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है मेन चीज़ है, मतलब सबको ये जो सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं इन सबको ये कंपलसरी है, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ये आपको देने ही देने हैं। अब उसके बाद जो भी बहुत सारे लड़के हैं SC ST के लड़के हैं जिन्होंने एज के लिए रिलैक्सेशन ले रखा है, किसी ने हाइट में रिलैक्सेशन ले रखा है, किसी ने चेस्ट में रिलैक्सेशन ले रखा है, तो जो मेडिकल के टाइम पे आप लोगों ने एनयूजर सबमिट किए होंगे, अगर कोई किसी ने नहीं किए हैं तो वो आपको एनयूजर इस टाइम पे सबमिट करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। किसी में अगर आपने रिलैक्सेशन ले रखा है तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग जो भी एनयूजर आता है वो एनयूजर 100% आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। चाहे आप अभी खर्चा करवा लो, कर लो जितना करना है अभी कर लो, जिसको बनाने में जितना दिक्कत आता है अभी दिक्कत उठा लो, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ये बना के ले जाना ही 100%, चाहे उसका काम हो या ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात आते हैं, जैसे दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना होगा, ठीक है। और तो कुछ अगर आपने और भी इसमें हाइट चेस्ट और जिसने भी इसमें अगर रिलैक्सेशन ले रखा है तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। उसके बाद ये हो गया आपका बेसिक, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है ये वाले, ये आप लोग देख लेना, ये बेसिक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लड़कों ने क्या किया, फॉर्म भरते टाइम किसी ने ग्रेजुएशन उसमें डाल दिया, किसी ने 12th डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें फॉर्म फिलअप करते समय इसमें टिक किया होगा, ठीक है, या फिर उसमें डाला होगा कि आपका हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, तो आपने डाला होगा ग्रेजुएशन। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वहाँ पे जब ज्वाइनिंग आपका होता है, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा, अभी ज्वाइनिंग होगा, आपको सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने पड़ेंगे, तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं अपना 10th का भी दे देते हैं, 12th का भी दे देते हैं, मार्कशीट भी दे देते हैं, बोर्ड सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, उसके बाद उनका ग्रेजुएशन का जो भी डिग्री का सर्टिफिकेट होता है वो भी दे देते हैं, ग्रेजुएशन की जितने सारी मार्कशीट होती है वो सब लगा देते हैं, और ये सब करके वो वहाँ पर जमा कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ 10th के बेस पर है, और आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो रखा है, मान लो बहुत सारे लड़के हमारे टाइम पे BE BTECH वाले थे, उन्होंने सब डिग्रियाँ लगा दी, सब सर्टिफिकेट्स लगा दिए, सब मार्कशीट लगा दिया, उनको लगा कि अगर ये सब लगाने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा या फिर आगे बेनिफिट्स होगा या फिर कुछ होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये 10th के बेस पर है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, चाहे आपने MBBS करके रखा है या BTECH MBA कर कुछ भी कर रखा है, आपको कोई इसमें डॉक्यूमेंट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा लेना ही है तो फ़ायदा ऐसा मिलेगा कि आपको आपका अगर ग्रेजुएशन हो रखा है तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है, आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, 4 साल का सर्विस है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो वो एग्ज़ाम देने के लिए,
बाकी अगर आपने कोई भी डिग्री ले रखी है और उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लगा दिए तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उल्टा दिक्कत आपको ये होगा कि मान लो कोई वैकेंसी अगर आती है तो उस टाइम पे अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपके पास वो पहले अगर उसके पीडीएफ वगैरह कुछ बना के आपने रखा है तो ठीक है, आप उसको अपलोड करके जो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है कि वो फॉर्म फिलअप करने में आपको परेशानी आ सकती है। दूसरी चीज़, अगर मान लो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे अगर कोई बहुत सारे एग्ज़ाम्स है या फिर जिनका लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है, आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, अगर आपने एनओसी ले रखा है, एनओसी के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपने एनओसी दे रखा है डिपार्टमेंट को तो ठीक है, आपको जो भी है डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले से ही अगर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिपार्टमेंट में जमा नहीं किए हैं, आपके पास पहले से ही है और एनओसी दे रखा है, सीधा छुट्टी लिया, आप घर गए, वेरिफिकेशन किया, वापस आ गए, ये बहुत आसान रहेगा। लेकिन आपने बहुत सारे सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए तो आपको एनओसी ले रखी है, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। फिर वो वापस अप्लीकेशन, मतलब अप्लीकेशन लिखना वापस डॉक्यूमेंट्स के लिए, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने कोई सबमिट करके नहीं रखे हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप जो है सीधा जा करके अपना वेरिफिकेशन जो भी है करके आ सकते हो, तो ये दिक्कत होता है। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि आपका फॉर्म भरने के लिए और ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब मान लो कि उनके स्टेट में हो या फिर सेंट्रल की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एक एग्ज़ाम के लिए ना करते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको भी क्या है डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर बार बार वो करना, अप्लाई करना या फिर मंगवाना, ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी 10th के बेस पर के है वही आप जमा करिए, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन के भी सबमिट करो या फिर 12th के भी सबमिट करो, मोस्ट सफिशियंट है आप 12th तक सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12th का भी आप सबमिट नहीं करते हो, 10th के ही करते हो तो काफ़ी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि बहुत सारे लड़कों को लगता है कि हमको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा अगर हम ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, टाइपिंग कंप्यूटर कोर्स करेंगे, टाइपिंग करेंगे, ठीक है, उसके भी सर्टिफिकेट्स आते हैं टाइपिंग के, कंप्यूटर के, तो आप जो है उसमें लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादातर आपको फ़ायदा हो सकता है, हो सके आपको जो देखा जाएगा कि भाई हाँ इसको ये आता है, तो आपको जो है वो जो काम है उससे रिलेटेड आपको दे दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वही वहाँ पर वो बात आती है कि आपने सर्टिफिकेट लगा दिए, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाया भी है, अगर आपने नहीं लगाया भी है, फिर भी आपको अगर कंप्यूटर आता है, आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका नॉलेज है तो आपको वो नॉलेज देखा जाएगा, अगर आपको बिठा दिया जाएगा, हाँ भाई कोई अगर काम अगर उसमें वैकेंसी रहती है आपको बिठा दिया जाएगा, हाँ भाई ये काम करके दिखाओ, अगर आपको ये वो आता है, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, अगर आपको वो आता है तो आपको है वो आप काम कर सकते हो वहाँ पर, तो यही है, तो सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप चाहे तो सर्टिफिकेट्स वो लगा सकते हो, अन्यथा आप अगर नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द जो आपके काम के हों। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।